हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ के प्रोज के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में एक किसान है जिसका नाम है लेंचो, उसका भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास को दिखाया गया है। तो चलिए कहानी को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लेंचो भगवान पर कितना विश्वास करता है। एक समय ऐसा भी आता है जब लेंचो को खाने का नहीं रह जाता है और उस समय लेंचो भगवान को ही पत्र लिख डालता है। तो क्या भगवान उसकी मदद करते हैं या नहीं करते हैं, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर लेंचो का इकलौता घर होता है, इकलौता झोपड़ी होता है और उसी में वो अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा होता है। तो एक सुबह की बात है, जब वो सुबह सोकर के उठता है और अपने खेतों में जाता है तो देखता है कि खेतों को पानी की ज़रूरत होती है। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि अगर खेतों को कुछ बारिश मिल जाए, कुछ पानी के बौछार मिल जाए तो फसल अच्छी होगी। पत्नी ने यह सुनकर कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर पानी थोड़ा बहुत मिल जाए फसल को तो फसल अच्छा होगा। इसके बाद बड़े बड़े जो उनके बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे पास घर के पास ही खेल रहे थे। उसके घर से अगर देखा जाए तो बहती नदियाँ और खेत दिखाई दे रहे थे, गार्डन दिखाई दे रहा था। तभी लेंचो की पत्नी ने सभी बच्चों को आवाज़ दिया कि डिनर के लिए आ जाओ। सुबह का समय था और उसने रात्रि का भोजन को दोबारा गर्म करके उन लोगों को खिलाना था, तो उसने बुलाया कि सुबह के भोजन के लिए आ जाओ। सभी बच्चे आए और लेंचो भी आया, सब लोग खाना खाने लगे। तभी धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिरने लगी। तो जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि पानी बरसने वाला है या बरसेगा, तो पानी बरसने लगा और लेंचो बाहर निकला और देखा तो उसने कहा कि ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं, जबकि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं। मतलब क्वेश्चन में आप क्या आ सकता है कि बूंदों को उसने किस से कंपेयर किया, तो पानी की बूंदों को उसने पैसों से कंपेयर किया, क्योंकि एक किसान के लिए पानी की बूंदें पैसों के बराबर होती है, क्योंकि पानी ही है जो उनके फसलों को अच्छे से तैयार करता है और अच्छी पैदावार होती है। तो लेंचो बाहर निकल करके गया और अपने शरीर पर पानी की बूंदों को फील कर रहा था और उसने पानी की बूंदों को पैसों से कंपेयर किया। और कुछ देर पानी बरसने के बाद में धीरे धीरे ओले पड़ने लगे, ओले मतलब पत्थर पड़ने लगे, स्टोन। तो ओले पड़ने से मतलब जब ओले पड़ने लगे तो किसान ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। उसकी पत्नी ने भी कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, भगवान चाहेगा तो जल्दी ये ओले बरसने समाप्त हो जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि वो ओले पड़ते रहे और इतना ज़्यादा ओले गिरे कि पूरा फसल नष्ट हो गया, एक भी पत्ती वहाँ नहीं बची, सारी पत्तियाँ गिर गई और पूरा फसल नष्ट हो गया। हर जगह आंगन में, द्वार पर, छत पर, गार्डन में, खेतों में, हर जगह ओले ही ओले ऐसे बिछे हुए थे जैसे मानो नमक बिछे हैं। अब लेंचो अपने खेत के बीचों बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इन ओलों से ज़्यादा तो कीड़े जो ग्रास ऊपर होते हैं वो कीड़े छोड़ जाते हैं। तो उसने कहा कि इन ओलों से ज़्यादा ग्रास ऊपर यानी कि वो कीड़े टिड्डे छोड़ जाते हैं। उसके बाद में वो बहुत दुखी हुआ, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। फिर उसे सोचने लगा कि अब हमारा क्या होगा, मतलब सारा फसल नष्ट हो गया है, अब क्या होगा। तो इसके बाद जो है वो अपने घर गया, शाम हुई और बहुत दुख भरी रात थी, बहुत दुख भरा वो शाम था और सब लोग बहुत दुखी थे, सोच रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, सारा फसल जो है नष्ट हो गया है, सब खत्म हो गया है। तो जो लेंचो थे बहुत दुखी थे, तो अंततः उन्होंने सोचा कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। फिर उनको मतलब उस बंदे को यानी कि लेंचो को इतना विश्वास था भगवान पर कि मतलब उसने सोचा कि अगर कोई हमारी मदद नहीं करता है तो भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो लेंचो जो था वो अपने खेतों में बहुत ही हार्ड वर्क करता था। सुबह हुआ और वो जो है मतलब भले ही वो हार्ड वर्क करता था, बहुत अधिक मेहनत करता था, फिर भी उसको लिखना आता था। और सुबह उठा और उसने भगवान को एक लेटर लिख डाला। और जब भगवान को उसने लेटर लिखा तो भगवान को लेटर में उसने लिखा कि
भगवान मुझे 100 पिसोज दे दीजिए, और 100 पिसोज जब आप देंगे तो उससे हमारी फैमिली जो है जीवित रहेगी और पूरा साल भर खाना खा पाएगी और मैं नई फसल की बुआई भी कर पाऊंगा। इसके बाद उसने इस पत्र को लिख करके डाक खाने में जा करके उसको जमा कर दिया, यानी कि मेल कर दिया। रेंचो जब वापस चला आया तो उसके बाद में वहाँ के पोस्टमैन ने उस लेटर को देखा, और जब लेटर पर लिखा पता देखा तो उस लेटर पर लिखा था लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को पत्र। भगवान को पत्र देख करके, इस एड्रेस को देख करके वो पोस्टमैन बहुत हंसने लगा, बहुत मतलब हंसने लगा। और हंसते हंसते जो है पोस्टमास्टर के पास पहुंचा तो उसने उसको दिखाया, तो पोस्टमास्टर भी हंसने लगा, सब लोग हंसने लगे। लेकिन अचानक से पोस्टमास्टर सीरियस हो गया। पोस्टमास्टर जब सीरियस हुआ तो उसने कहा कि इसमें जो इस लेटर में जो भी लिखा होगा उसकी मनोकामना पूरी की जाएगी। तो सभी लोगों ने जो है उसको लेटर को ओपन किया, और ओपन करने के बाद देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि 100 पीसोज की ज़रूरत है। अब 100 पीसोज जो थे वो बहुत बड़ी रकम होती थी उस समय के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। तो उन लोगों ने सोचा कि ये कैसे होगा, तो सभी लोगों ने अपने अपने तनख्वाह में से, अपनी सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे निकाल करके उसमें इकट्ठा किए। फिर भी 100 पीसोज ना कम्प्लीट हुआ, लेकिन आधे से ज़्यादा यानी कि 70 पीसोज तक, यानी 70 पीसोज तक वो लोग जमा कर लिए। उसके बाद उसको मेल में कर दिया, और अगले संडे को लेंचो उस दिन बहुत जल्दी आया और उसने कहा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो पोस्टमास्टर ने कहा हाँ आपके लिए लेटर आया है, आप देख सकते हो इसको। तो उसने देखा तो चौंकना नहीं हुआ, बहुत अधिक खुश नहीं हुआ क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान उसको पैसे ला करके ज़रूर देंगे। मतलब पैसे, भगवान को लेटर लिखा था कि भगवान मुझे पैसे चाहिए, और पैसे मिल भी गए, इस बात का उसको थोड़ा भी ताज्जुब ना था क्योंकि उसको विश्वास था कि पैसे हमको मिलने हैं और मिल जाएगा। तो उसको पैसे मिल गए, और जब वो पैसे पाया और गिनने लगा तो गिनते गिनते जब पूरा पैसा उसने काउंट किया तो वो केवल 70 पीसोज थे। तो वो एंग्री हो गया, क्रोधित हो गया कि मतलब 70 पीसोज, मतलब इसका ये है कि यहाँ जो पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिसर हैं इन लोगों ने जो है पैसों को चुरा लिया। उस समय जब वो पैसे गिन रहा था तब पोस्टमास्टर अपने पोस्ट ऑफिस के गेट पर खड़े होकर के उसको देख रहा था कि जब इसको पैसे मिलते हैं तो कि ये कैसा फील करता है, ताज्जुब होता है, खुश होता है या दुखी होता है। तो उसने देखा कि उसको कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं थी, और इसके बजाय वो बहुत अधिक गुस्सा हो चुका था। फिर लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस में गया, और वहाँ पर उसने एक पेपर पेन लिया, और वहीं पर दोबारा उसने एक लेटर लिखा। लेटर में लिखा कि भगवान मुझे इस बार जो है मेल के द्वारा पैसे मत भेजिएगा, क्योंकि मेल के द्वारा जब आप पैसे भेजते हो तो वो पैसे पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी चुरा लेते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी कार्य करते हैं वो बेईमानों के समूह हैं, इसलिए आप मुझे दोबारा मेल के द्वारा पैसे मत दीजिएगा, मुझे पूरे पैसे नहीं मिले हैं। यहीं पर चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।